भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर बहुत कौतूहल है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी एक बार बुलेट ट्रेन में बैठ जाऊं। तो इस वक्त मैं फ्रांस के राजधानी पेरिस के गार दे लियों स्टेशन पे हूं और यहां से मैं हाई स्पीड ट्रेन पकड़ूंगा, जिसको बुलेट ट्रेन भी कहते हैं और फ्रांस में तेजे वे कहते हैं। तो करीब 400 किलोमीटर मुझे जाना है, यहां से दोल जाना है और करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा। तो अंदर कैसा लगेगा हाई स्पीड ट्रेन में बैठने के बाद, बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जब इंडिया में आएगी तब तो खैर हम सब देखने जाएंगे ही, लेकिन फ़िलहाल फ्रांस की हाई स्पीड ट्रेन्स में चढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा लगता है अंदर में। इस बुलेट ट्रेन की आपको सैर कराएं, उससे पहले देखते हैं पिछले एपिसोड का रीकैप। लवर्स ब्रिज कहते हैं हम, लवर्स ब्रिज। आप जिससे प्यार करते हैं उसका नाम लिख के और खुद का नाम लिख के दोनों साथ में चाबी लगा दो। पेरिस में इस बुलेट ट्रेन में चढ़ने से पहले आखिरी दिन पेरिस में हमने काफ़ी देर शॉपिंग की और उसके बाद में हम गए गार दे लियों स्टेशन, जहां से हमें बुलेट ट्रेन पकड़नी थी। हम लोग जा रहे हैं, आईफिल टावर देख लिया, पेरिस देख लिया, बहुत कुछ। अब पता नहीं हम लोग पेरिस फिर कब आएंगे, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत सड़कें देखी है, बहुत जगह हम लोग गए हैं। और अरायना भी कुछ कह रही है। हाँ अरायना क्या कह रही है, कितनी सारी जगह तो गए थे कल, वहाँ डिज्नीलैंड गए थे आप, और कहाँ कहाँ गए थे? अरे वो तो अब जा रहे हैं। और मम्मा के घर, करेक्ट, मम्मा के हाथ शिफ्ट हुए, बताना पड़ेगा। हेलो, रायना मुझे शूट करी है। रायना को भी ना शूट करने का बहुत शौक है। मुझे पता नहीं कैसा फ्रेम बनाया रायना ने, मैं कट रहा हूँ कि पूरा आ रहा हूँ, आई डोंट नो। रायना का कहना है कि आ रहा हूँ, तो पर रायना को भी शूटिंग करनी है सारी। आप सर हिला रहे हो तो कट आ रहा है। ओके ओके, आई एम सॉरी। तो रायना ठीक से फ्रेम बनाना, कुछ कटना नहीं चाहिए। डन। यही है पेरिस का मशहूर गार दे लियों स्टेशन। यहाँ से हमें दोल जाना था और फिर दोल से फ्रांस के एक छोटे से गांव फ्लोंस लेस सोनिए। स्टेशन के अंदर जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा फोटो सेशन हो जाए। गार दे लियों पेरिस के 6 बड़े स्टेशन्स में से एक है। इसका नाम फ्रांस के ही एक और शहर लियों के नाम पर पड़ा है। ये यूरोप के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। ये ट्रेन स्टेशन हर साल 9 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल करता है। यहाँ पर फ्रांस के दूसरे शहरों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी ट्रेन मिलती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी। यहाँ से मैं टिकट लेने वाला, नंबर डालकर लेट सी, यहाँ होता है नहीं होता, लिखा तो है कलेक्शन फ्रॉम एन ऑटोमेटिक टिकट मशीन, यही है। हमने अपनी ट्रेन की टिकट्स तो इंडिया से ही बुक करा ली थी और प्रिंट आउट हमारे पास था, लेकिन यहाँ पर यात्रा करने के लिए हमें टिकट्स की ज़रूरत थी जो इन मशीन से मिलेगी, और उसके बाद उसे वैलिडेट भी करना था। अब वैलिडेट क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर सैकड़ों मशीन्स हैं, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर काफी भीड़ होती है, इसलिए कई बार टिकट निकालने में थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। इस मशीन में अपना बुकिंग कोड डालने के बाद आपको टिकट के प्रिंटआउट्स मिल जाएंगे और उन प्रिंटआउट्स को आपको अब वैलिडेट कराना होगा, जो कि इसके बगल में एक पीली मशीन होती है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। इस पीली मशीन में आपको ये टिकट्स वैलिडेट करानी पड़ती है। मुझे लग रहा है सारी ही करनी है, क्योंकि इस पे भी लिखा है डोल से लॉन से, सुनिए ना, अपना कार है फिर भी लिखा है।
फॉरेन ट्रेवलर्स को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सिर्फ टिकट लेना ही जरूरी नहीं है, इसे पंच करना भी जरूरी है। ये वैलिडेशन फ्रॉड से बचने के लिए है क्योंकि जब आपका टिकट पंच हो जाता है तो उसमें ट्रेन का टाइम और डेट ऑफ जर्नी मेंशन रहते हैं ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके। कई बार लोग ओपन टिकट को बिना पंच कराए कई बार जर्नी कर लेते हैं, ये एक तरह का फ्रॉड होता है और इसी से बचने के लिए ये वैलिडेशन जरूरी है। टिकट्स को वैलिडेट कराने के बाद अब वक्त था ट्रेन में सफर करने का और बुलेट ट्रेन की जर्नी के लिए तो हम वैसे भी सब बेकरार थे, तो हम बढ़ चले प्लेटफॉर्म की तरफ। बुलेट ट्रेन में बैठे उससे पहले हम आपको टिकट की कॉस्ट बता देते हैं। हम 5 लोग थे, हमने 5 लोगों का पे किया 120 यूरो, लेकिन ये टिकट हमने 4 महीने पहले ही इंडिया से बैठे बैठे ऑनलाइन बुक करा लिया था। अगर यही टिकट आप ट्रैवलिंग के दिन या फिर उसके आसपास बुक कराएंगे तो आपको इसी टिकट का 300 से 400 यूरो 5 लोगों का भी देना पड़ सकता है, इसलिए टिप यही है कि समय रहते काफी पहले ही बुक करा लें। इसके अलावा टिकट की कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप पीक टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं या नॉन पीक टाइम पर। तो करीब 400 किलोमीटर मुझे जाना है, यहाँ से दोल जाना है और करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा। तो अंदर कैसा लगेगा हाई स्पीड ट्रेन में बैठने के बाद, बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। हमारा डिब्बा थोड़ा पीछे की तरफ था इसलिए हमें थोड़ा वॉक करना पड़ा। हम तो बुलेट ट्रेन की जर्नी को लेकर एक्साइटेड थे ही, अरायना भी काफी एक्साइटेड थी। मिक्स हुई पड़ी है टिकट, सीट नंबर देख रहे हो, ये पकड़ो, ये 2 उस पे तो चढ़े हो बक्से कौन से कोच, ये कोच तो हमें इस कोच पे चढ़ना है, ये हमारा कोच है हाई स्पीड ट्रेन का और अब अंदर जा रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं अंदर क्या होता है, मज़ा आएगा आई एम श्योर। अभी ट्रेन गार्देलियों स्टेशन से चल चुकी है, अभी भी छुट्टी है और करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगना चाहिए हमें दोल पहुंचने में। और क्या स्पीड पकड़ती है और कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहता है हाई स्पीड ट्रेन में बैठने का, देखते हैं। बाय बाय पेरिस, फिर मिलेंगे। अब ट्रेन की स्पीड पकड़ने के बाद मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा कि स्पीड जब होती है ट्रेन तब कैसा लगता है, कितनी स्पीड होती है, किस तरह का महसूस होता है, तो थोड़ा स्पीड का इंतजार करते हैं। करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है मुझे, या उससे भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक मुझे जो लगता है कि इस ट्रेन ने मैक्सिमम स्पीड जो अचीव की है वो करीब 200 से 250 किलोमीटर के बीच की है पर आवर की, और जो कि एकदम टॉप स्पीड नहीं है इसकी। मुझे लगता है फ्रांस में करीब 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं या चल चुकी हैं, और जो अंतर्देशीय है
यानी कि एक देश से दूसरे देश जाती हैं, वो सब ट्रेनें उस स्पीड को अचीव करती है, लेकिन जो इंटरनल चलती है फ्रांस के अंदर उनका एवरेज करीब इतना ही होता है। जो सबसे मुझे लगता है जो मेरी जानकारी है कि करीब 280 किलोमीटर की पूरी ट्रेन जर्नी का एक एवरेज स्पीड निकलता है, तो उस हिसाब से ये ट्रेन उससे थोड़ी स्लो है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे करीब 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है और इसमें उस पीक स्पीड को अचीव करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास ये चल चुकी है और काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल लगता ही नहीं कि ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही है। तो अच्छा अनुभव है और आई होप जब भारत में ऐसी ट्रेनें आएंगी तो हमें इसका और अंदाज़ा होगा कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है। यहाँ तो सच बताओ तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये ट्रेन इतनी तेज़ चल भी रही है। थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ किस तरह का नज़ारा कंट्री साइड है फ्रांस का, दिखाता हूँ। ट्रेन के दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर लंबे लंबे घास के मैदान हैं, जैसा कि यूरोप में होता है और फ्रांस में भी ऐसा ही है। और यहाँ का कंट्री साइड काफ़ी मशहूर है, इनफैक्ट पूरे यूरोप में कंट्री साइड काफ़ी मशहूर है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ इसे महसूस करने, इसे देखने। सुरंग आ गई तो बाहर कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी जर्नी है और इसके बारे में मैं फिर बाद में भी रिव्यू करूँगा। कुछ और अगर कुछ नया दिखता है तो वो भी दिखाऊँ। इस ट्रेन में दो क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। और ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं जहां हम बैठे हैं, ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है। हमने फर्स्ट क्लास का टिकट इसलिए लिया क्योंकि हमें ये सस्ता मिल गया था, लेकिन इस ट्रेन का सेकंड क्लास भी काफ़ी अच्छा होता है। आप कई बार फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच में फ़र्क भी नहीं कर पाएंगे। वैसे तो इन ट्रेनों का इंडिया की ट्रेनों से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो आजकल भारत में भी कुछ अच्छी ट्रेनें आ गई हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर ये थोड़ी बहुत लुक एंड फील शताब्दी एक्सप्रेस की भी देती है, लेकिन फिर भी इन ट्रेन और उन ट्रेन्स में काफ़ी अंतर है। एक बात आपने और नोटिस की होगी, इस डिब्बे में सारे लोग जो बैठे हैं यहाँ पर लोग ट्रेनों में ज़्यादा बात नहीं करते। इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा बात करने वाले लोग शायद हम ही थे। ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो बहुत अच्छा नज़ारा मिलता है कंट्री साइड का, और एक्सप्रेस हाई स्पीड ट्रेन में है तो इसका एक अलग लुत्फ है। तो हाई स्पीड ट्रेन से तो फिलहाल इतना ही। थोड़ा लोन्स का छोटा सा शहर है, दिखाते हैं चलते चलते। यहाँ मैं जॉब करती थी। ओ या। शैंपेन खुलने वाली है। उनसे उनसे मतलब कि ला शैंपेन ने ऑफ गार्डेपुर उसके स्वागत में।